23 अक्टूबर को पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट टीमों के दरमियान मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर मुनक्किद होना है। इस मैच के टिकटों के हवाले से शायकीन में खासा जोश व खरोश पाया जाता है। दूसरी जानिब इत्तला है कि मैच की तमाम टिकटें फरोख्त हो चुकी हैं, जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दूसरी जानिब भारतीय क्रिकेट बोर्ड के दरमियान बाहमी सीरीज़ के हवाले से ताहाल अभी किसी पेशरफ का मुंतज़र दिखाई देता है। तमाम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंडियन प्रीमियर लीग की ढाई माह की विंडो की खबरें सामने आने पर खासे तहफ़ुज़ात का शिकार भी दिखाई देता है। इस सिलसिले में पीसीबी ने आईपीएल विंडो के हवाले से न सिर्फ दीगर क्रिकेट बोर्ड से रबते का फैसला किया है, बल्कि साथ ही इस साल जुलाई में बर्मिंघम में होने वाले आईसीसी इजलास में इस मामले को उठाने का भी इरादा रखता है। याद रहे पाकिस्तानी खिलाड़ियों को 2008 के सीज़न के बाद से इंडियन प्रीमियर लीग में मौका नहीं दिया गया है। दूसरी जानिब ये भी खबरें हैं कि चूंकि अभी 2024 से 2031 तक आईसीसी की जानिब से फ्यूचर टूर प्रोग्राम की तफसीलात सामने नहीं आई और ना ही अभी इस हवाले से कोई पेशरफ्त हुई, तो इस सारी सूरत हाल में पीसीबी और दीगर क्रिकेट बोर्ड फ़िलहाल देखो और आगे बढ़ो की पॉलिसी के मुताबिक काम करने की सोच रखते हैं।